एक ओंकार सतनाम करता पुरख। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानण हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। पाकिस्तान के जिला शेखुपुरा के गांव राय भोई की तलवंडी में एक अत्यंत सुंदर मनमोहक बालक का जन्म हुआ, जिसके चेहरे पर इतना रब्बी नूर था कि जो भी उसे देखता बस उसका श्रद्धालु ही बन जाता। हम बात कर रहे हैं सिखों के पहले गुरु और सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी की, जो सारे संसार को अंधकार से उजाले की ओर ले जाने तथा सत्य का मार्ग दिखाने के लिए धरती पर प्रकट हुए। इसके साथ ही पापियों और पाखंडियों को धर्म का रास्ता दिखाकर एक निरंकार से जोड़ने के लिए आप जी ने सारा जीवन अर्पण कर दिया। गुरु नानक देव जी ने अंधकार में युग में व्यर्थ के वहमों भ्रमों को समाप्त करके लोगों को धर्म का सही रास्ता दिखाया। उन्होंने किरत करो, नाम जपो और वंड छको का उपदेश दिया तथा पंगत और संगत की परंपरा चलाई। आप जी का उपदेश केवल एक धर्म या जाति तक सीमित ना होकर बल्कि समस्त संसार के सभी धर्मों और जातियों की एकता को बनाए रखना था। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी के घर में हुआ। पाकिस्तान का वह स्थान आजकल श्री ननकाना साहिब कहलाता है, जहां इस दिन को बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। आपके पिता खत्री जाति के बेदी थे। खेतीबाड़ी के काम के साथ ही हाकिम राय बुलार के पास पटवारी का भी काम किया करते। गुरु नानक देव जी की एक बड़ी बहन बीबी नानकी थी, जो उम्र में आपसे 5 वर्ष बड़ी थी। वह अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती और देखभाल करती। कहते हैं आप जी के जन्म के समय पिता मेहता कालू जी ने पंडित हरदयाल को अपने बालक की जन्म पत्रिका बनवाने के लिए बुलाया। घर आकर पंडित ने दौलता दाई से बालक के जन्म का समय पूछा और बालक ने पहला शब्द क्या कहा था। दौलता दाई ने हैरानी से पंडित को बताया कि मेरे हाथों अनेक बालक जन्मे हैं, परंतु यह बालक अलौकिक है। इस बालक ने जन्म के समय ऐसे भाव प्रकट किए मानो कोई बुद्धिमान पुरुष पहली मुलाकात में हंसकर मिलता हो। मुझे इस बालक के जन्म पर हैरानी हो रही है। दाई से सारा विवरण लेकर पंडित ने कालू जी से कहा कि तुम्हारा बालक शुभ घड़ी में पैदा हुआ है, भविष्य में इसके सिर पर छत्र झूलेगा। पंडित ने जब बालक को देखा तो तुरंत उनके चरण छू लिए। बालक के बारे में अद्भुत बातें सुनकर माता पिता के आनंद की कोई सीमा न रही। हिंदू रीति के अनुसार 13 दिन हो जाने पर पंडित ने बालक को चोला पहनाया और नाम रखा नानक निरंकारी। पिता मेहता जी ने ऐसा नाम सुनते ही हैरानी से पंडित से कहा कि यह नाम तो हिंदू और मुसलमान दोनों का मिला जुला रूप है, नाम तो कोई और होना चाहिए था। तब पंडित ने कहा कि आपका पुत्र एक दिव्य ज्योति का अवतार है, ऐसा अवतार इस धरती पर आज तक नहीं हुआ। श्री राम जी, श्री कृष्ण जी आदि जितने भी अवतारी पुरुष धरती पर आए उनको केवल हिंदू धर्म के लोग ही पूछते थे, जबकि आपके पुत्र नानक निरंकारी को भविष्य में हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजेंगे। इतने शब्द सुनते ही कालू जी की सारी शंका खत्म हो गई। बालक की जन्म पत्रिका बना लेने के बाद पंडित ने उसे पढ़ते हुए कहा, यह बालक ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ है जिसे मैं ईश्वर का अवतार कह सकता हूँ। यह संसार में सूर्य की भांति चमकेगा, सारा ब्रह्मांड इसकी स्तुति करेगा। यदि यह समुद्र में जाएगा तो समुद्र भी इस बालक के लिए रास्ता छोड़ देंगे।
यह अद्वितीय होगा, जिसके जैसा और कोई नहीं। यह केवल एक पूर्ण ब्रह्म की पूजा व सिमरन का प्रचार करेगा, एक पूर्ण धर्मात्मा और ज्ञान वैराग्य का अद्वितीय ज्ञाता होगा, एक परमात्मा के अलावा किसी की पूजा नहीं करेगा। यह पूर्ण अवतार है, अर्थात सभी कलाओं में संपूर्ण। सभी देवी देवता, भूत प्रेत और पैगंबर ऋषि मुनि इसकी आज्ञा मानेंगे। यह जगत निर्माता खुद अवतार धारण करके संसार के कल्याण हेतु प्रकट हुआ है। अपने बालक की इतनी सारी बातें सुनते ही उनकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। समय बीतता गया। आपका बचपन अनेकों चमत्कारों से भरा था। स्वभाव में आप बड़े ही विनम्र और दयालु थे, साथ ही बड़े मस्त मोला। जब आप 5 वर्ष के हुए तो आपने अपनी कलाएं दिखानी शुरू कर दी, जैसे कहते हैं कि होनहार बिरवान के होते चिकने पाथ। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी ने अपने घर से एक बहुमूल्य वस्तु उठाकर किसी गरीब अपाहिज को दे दी। यह बात जब कालू जी के कानों में पड़ी तो वह गुरु जी से बहुत क्रोधित हुए। उस पंडित को शिकायत करके बोले कि तुमने तो कहा था यह बालक छत्रपति होगा, परंतु यह तो अपना घर ही साफ करने में लगा है। तब पंडित जी ने कहा, जब इस बालक का सही समय आएगा तब आपने हम जैसे लोगों से बात भी नहीं करनी। कहते हैं गुरु नानक देव जी बचपन में सदा बड़े बच्चों के साथ ही खेला करते। आपका उनके साथ खेलना भी अद्भुत था। सभी बच्चों को अपने इर्द गिर्द बिठाकर बीच में चौंकड़ा मारकर बैठ जाते और ईश्वर की बातें किया करते। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक ना समझ होता है, उसको तो अपनी भी समझ नहीं होती, जबकि आप जी अपने से बड़े बच्चों को ईश्वरीय बातें सुनाते। आपने तो किसी से ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया, ना ही कोई गुरु धारण किया, फिर भी इतना ज्ञानी होना आपको अवतारी और अद्भुत बनाता है। गुरु जी की साखी में दर्ज है कि 7 वर्ष के होने पर आपको पंडित गोपालदास के पास विद्या हासिल करने के लिए गुरुकुल भेज दिया गया। आपका मन सांसारिक पढ़ाई में नहीं लगता था, आप केवल ईश्वरीय विद्या ही पढ़ना चाहते थे। पंडित ने गुरु जी को पट्टी पर पंजाबी भाषा का पहला अक्षर ऊड़ा लिखने को कहा तो गुरु जी ने पंडित से कहा कि इस सांसारिक विद्या को छोड़कर ईश्वरीय विद्या पढ़ाएं। इस पर पंडित हैरान होकर कहने लगा कि हमें तो सांसारिक पढ़ाई ही आती है, आप बताएं कि ईश्वरीय विद्या से हमें क्या लाभ होगा। गुरु जी ने बताया कि सांसारिक विद्या केवल बंधन पैदा करती है, जबकि ईश्वरीय विद्या सांसारिक बंधनों से मुक्त करती है। इसे पढ़ने से लोक परलोक दोनों ही समर जाते हैं। अंत में जीवात्मा जब संसार त्याग कर परलोक जाएगी, यही विद्या उसके काम आएगी। गुरु जी ने तब पंडित को ऊड़ा का सही अर्थ समझाने के लिए एक श्लोक का उच्चारण किया। ऊड़े उपमा तांकी की जय, जाका अंत ना पाया, सेवा करे सेई फल पावे, जिन्नी सच कमाया। अर्थात ऊड़ा का अर्थ ओंकार यानी ईश्वर है। ईश्वर की पैदा की हुई सृष्टि का अंत नहीं देखा जा सकता। ऊड़ा कहता है कि एक निरंकार के सच्चे मन से भक्ति करने वाले सदा ही प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार गुरुजी ने पंडित को गुरुमुखी के सभी अक्षरों का ईश्वरीय अर्थ समझाया, जिसे सुनकर पंडित बहुत प्रभावित हुआ और गुरु नानक देव जी को सम्मान सहित गुरुकुल से घर छोड़ने आया और कालू जी से कहा कि तुम्हारा पुत्र तो इतना विद्वान है, जिसके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास भी नहीं है। इस कलयुग में चारों वेदों की विद्या अलोप हो रही है, आपका पुत्र इस अलोप हो रही विद्या को प्रकट करने और लोगों को भक्ति के साथ जोड़ने के लिए धरती पर आया है। कहते हैं 9 वर्ष की आयु होने पर हिंदू रीति के अनुसार आपको जनेऊ धारण करना अनिवार्य था। पंडित ने जैसे ही जनेऊ धारण करने की रस्म शुरू की तो गुरु जी ने पंडित को भरी सभा में रोकते हुए प्रश्न किया कि यह जनेऊ पहनना क्यों जरूरी है, इसे पहनने की विशेषता बताएं तथा इसको धारण करने से जीव को
कौन सी उपाधि प्राप्त होती है? पंडित ने कहा, जनेऊ धारण ना करने से जीव अपवित्र रहता है। इस पर गुरुजी ने स्पष्ट किया कि जब तक अंतर आत्मा ही पवित्र ना हो तो बाहर के किए गए दिखावे से उस मनुष्य का क्या सुधार होगा। छोटे से बालक के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर वहां बैठे सभी लोग और पंडित अचंभित हो गए। पंडित ने गुरुजी से पूछा कि अब आप ही बताएं कि कौन सा जनेऊ पहनना उचित होगा जिससे जीव का धर्म बना रहे। गुरुजी बोले, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सतवट, एहो जनेऊ जी का हईता पांडे कत, ना ए तुटे ना मल लगे, ना ए जले ना जाए, तनसु मानस नानका जोगल चले पाए। अर्थात दया की कपास हो, उससे संतोष रूपी धागा बनाएं और सत्य का उस पर वट लगाकर गांठ लगाएं। ऐसा जनेऊ जिसमें दया संतोष और सत्य हो वही गले में धारण करें। इसलिए पंडित जी, जो आप जनेऊ मुझे धारण करवाना चाहते हैं वह तो मेरे किसी काम का नहीं। आपका जनेऊ आग में जल जाएगा, मैला हो जाएगा, टूट जाएगा, परंतु दया संतोष और सत्य द्वारा बनाया गया जनेऊ ना कभी जलता है, ना टूटता है, ना मैला होता है। अगर ऐसा जनेऊ आपके पास है तो वह पहनाओ, वरना मैं पहनने को तैयार नहीं। गुरु जी के जीवन में कई चमत्कार हुए हैं। हम कुछ कुछ घटनाओं को आपके सामने पेश कर रहे हैं। जैसे कहा जाता है, एक बार गुरु नानक देव जी को उनके पिता ने कहा कि तुम सारा दिन मस्ती में बैठे रहते हो, इससे अच्छा है कि कोई व्यापार करो। गुरु जी को 20 रुपए देकर कहा, जाओ और सत्य का व्यापार करके आना जिसमें लाभ हो। तथा गुरु जी ने कहा, पिताजी अब आप देखेंगे मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। आप जी भाई बालाजी के साथ ईश्वर का गुणगान करते चले जा रहे थे। कुछ कोस दूर जाकर आपने साधुओं की मंडली देखी, जिन्हें देखते ही आप जी ने भाई बालाजी से कहा, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आ रहा है। पिताजी की आज्ञा भी अच्छे व्यापार करने की है, फिर तो इससे उत्तम और खरा व्यापार नहीं है। भाई बालाजी गुरुजी से बोले, कालू जी का स्वभाव तो आपको पता ही है और मैं तो आपका दास हूँ, इसलिए आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। गुरुजी ने उन 20 रुपयों से 7 दिन के भूखे साधुओं को भोजन कराया और घर लौट आए। जब आपके पिताजी को सारी खबर पता चली तो उन्होंने आप जी को बहुत गुस्सा किया। तब किसी तरह बीबी नानकी जी ने अपने भाई को बचाया। राय बुलार के कानों में जब यह खबर पड़ी कि आज गुरु नानक देव जी से कालू जी बहुत नाराज हैं, तो उन्होंने कालू जी को समझाते हुए कहा, इस बालक को साधारण बालक मत समझो, इस पर गुस्सा मत किया करो। इतना कहते ही राय बुलार की आंखें नम हो गई। वास्तव में कालू जी अपने पुत्र को साधारण बालक समझते थे। गुरु जी के परमेश्वर रूप का उनके माता पिता को जरा सा भी आभास नहीं था, जिसके कारण पिता पुत्र से अक्सर परेशान रहते। असल में गुरु जी के पिता उनको एक सफल व्यापारी बनाना चाहते थे, परंतु गुरु जी सदा ईश्वर ध्यान में लीन रहते। बहुत से कामों में आपको व्यस्त रखने की बड़ी कोशिशें की गई। आपकी साखी में दर्ज है कि पिताजी ने आपको एक दिन अपनी गाय भैंसे चराने के लिए भेज दिया। आप जी ने उन जानवरों को जंगल में छोड़ दिया और खुद हमेशा की तरह ध्यान अवस्था में चले गए। तभी एक जाट के खेत में घुसकर आपके जानवरों ने उसकी सारी फसलें बर्बाद कर दी। अपने खेत की ऐसी बुरी हालत देखकर उस जाट ने गुरु जी से शिकायत करते हुए कहा कि तुम्हारे जानवरों ने तो मेरा सारा खेत ही नष्ट कर दिया, इसलिए इसका अब हर्जाना भरना पड़ेगा, और कुछ अपशब्द कहने लगा। तब गुरुजी बोले, अगर किसी भूखे जानवर ने कुछ खा भी लिया है तो गुस्सा मत करो, परमात्मा इसमें भी तुम्हारी उन्नति करेगा। परंतु जाट अपनी बात पर अड़ा रहा और गुरुजी को लेकर वे हाकिम राय बुलार के पास चला गया।
तब राय बुलाड ने उनके पिता कालू जी को कहा कि आप अपने पुत्र को समझाएं। उसी समय गुरुजी ने जाट से कहा, तुम्हारी खेती तो ज्यों की त्यों है, तुम्हारा कोई नुकसान ही नहीं हुआ, नहीं यकीन तो खुद जाकर देखाओ। जब खेत में जाकर देखा गया तो फसलें बिल्कुल सही सलामत पाई। ऐसा दृश्य देखकर सभी चकित रह गए और जाट सभी के सामने झूठा साबित हुआ। इतिहास में यह भी दर्ज है कि एक बार आप जी अपने जानवरों को जंगल में छोड़कर खुद एक वृक्ष के नीचे लेट गए, तब आपकी आंख लग गई। आप जी के मुख पर धूप पड़ने से पसीने की बूंदें चमकने लगी। तब एक चमत्कार हुआ, कुदरती रूप से हाकिम राय बुलार वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि गुरु नानक देव जी के सिर पर शेषनाग ने खड़े होकर अपने फन फैलाकर उन पर छाया कर दी। यह सारा प्रसंग उसने कालू जी को सुनाया और हिदायत देते हुए कहा, कभी भी इस बालक पर क्रोध मत करना। आपका बालक एक महान शख्सियत का स्वामी है और एक दिव्य रूप है, तथा संसार के जीवों के माया रूपी बंधन तोड़ने के लिए ही तुम्हारे घर जन्म लिया है। सन 1475 ईस्वी में आप जी की बहन बीबी नानकी जी का विवाह सुल्तानपुर के निवासी जयराम जी से किया गया। कुछ समय बाद पिता कालू जी के बुलाने पर बीबी नानकी जी अपने पति जयराम जी के साथ जब अपने मायके आईं, तो राय बुलार ने जयराम जी से कहा कि तुम अपने साले यानी गुरु जी को अपने साथ सुल्तानपुर ले जाएं, क्योंकि कालू जी अपने पुत्र को हमेशा डांटते रहते हैं और यह उनसे देखा नहीं जाता। कहते हैं कुछ समय बाद कालू जी और माता जी ने अपने पुत्र को सुल्तानपुर भेज दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद अपनी बहन के घर जाकर उनका बेटा किसी काम में व्यस्त हो जाए। गुरुजी बीबी नानकी जी के घर ही रहने लगे और जीजा जयराम जी ने जहां वे खुद नौकरी करते थे उसी मोदी खाने में गुरु नानक देव जी को नवाब दौलत खान के पास नौकरी दिलवा दी। वहां गुरुजी आय व्यय का हिसाब देखा करते और सौदा तोला करते। अगर कोई जरूरतमंद मांगने आता तो कभी उसे खाली हाथ ना भेजते। पिता कालू जी यह जानकर संतुष्ट हो गए कि अब उनका पुत्र काम में व्यस्त हो गया है। मोदी खाने का मालिक नवाब दौलत खान अगर गुरु जी को 5 सेर अनाज तोलने के लिए कहता तो गुरु जी 5.25 सेर देकर भेजते। इस तरह आप जी जरूरतमंदों को अनाज देकर झोलियां भरते। भिखारी और गरीब लोग मोदी खाने के आसपास ही भीड़ लगाकर खड़े रहते। कहते हैं जिन पत्थरों से आप 13-13 कहकर अनाज तोलते थे, वह पावन पत्थर आज भी सुल्तानपुर के मोदी खाने में मौजूद हैं, जहां पर गुरुद्वारा श्री हट साहिब स्थित है। गुरु जी 13-13 प्रभु को संबोधित करते हुए अनाज तोला करते थे। कहते हैं कुछ नीच आचरण के लोगों ने जयराम जी से चुगली करते हुए कहा, तुम्हारा साला सारा मोदी खाना गरीबों में लुटा रहा है, जो कल को तुम्हारी बेइज्जती का कारण भी बन सकता है। तब जयराम जी ने परेशान होकर सारी बात अपनी पत्नी बीबी नानकी जी को बताई तो वे मुस्कुराते हुए अपने पति को कहने लगी कि जैसे उस परमात्मा का ज्ञान सबसे पहले इंद्र देवता को हुआ था और फिर सारे संसार में ईश्वरीय ज्ञान फैला, ठीक उसी तरह श्री गुरु नानक देव जी महाराज का परिचय सबसे पहले मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए हे स्वामी, आप व्यर्थ की चिंता ना करें और आप मेरे भाई को साधारण मनुष्य समझने की भूल ना करें। वे तो साक्षात ब्रह्म ज्योति हैं, जो संसार के कल्याण के लिए ही प्रकट हुए हैं, जिनकी लक्ष्मी दासी है, यह मैं सत्य कहती हूँ। इतना कहकर वे चुप हो गई। बीबी नानकी जी ने अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को अपने घर पर बुलाया। जब उन्होंने सुना कि उनके भाई आ रहे हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर खड़ी हो गई। अपने भाई श्री गुरु नानक देव जी को बड़े सम्मान से आसन पर बिठाया।
तब गुरुजी ने पूछा कि आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो वे बोली आपके दर्शन करना चाहती थी। इस पर उन्होंने कहा मुझे पता है आप मुझसे मोदी खाने की आय व्यय पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने मेरी शिकायत नवाब से की है और नवाब के साथ मेरा हिसाब किताब हो चुका है, बल्कि नवाब ने मुझे 137 रुपए देने हैं। गुरुजी कहने लगे कि अब वे मोदी खाने का काम छोड़ रहे हैं और आपसे भी बहन हम जुदा हो रहे हैं, यह हमारी और तुम्हारी आखिरी मुलाकात है। इतना सुनते ही बीबी नानकी जी रोने लगी और जयराम जी ने तब कहा कि मैं भ्रम में था, परंतु आज मैंने आपके सत्य रूप को जान लिया है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। भाई बालाजी ने गुरुजी के आगे विनती की कि वे उनसे नाराज ना हों और कहीं ना जाएं। कहते हैं तब गुरुजी ने भाई बालाजी की बात स्वीकार कर ली और वे वहीं रुक गए। इतिहास में दर्ज है कि जादोराव नाम का व्यक्ति मोदी खाने में ही काम करता था। वह गुरुजी से बिना कारण वैर रखता था। वह मनीमन सोचा करता गुरुजी रिश्वत के रूप में एक पैसा भी उसे नहीं देते, बल्कि दूसरी तरफ गरीबों व मांगने वालों को दान देते रहते थे। इस कारण उसने नवाब दौलत खान से चुगली करते हुए कहा कि श्री गुरु नानक देव जी मोदी खाना गरीबों में लुटा रहे हैं। मालिक के कहे अनुसार जादोराव ने गुरुजी के हिसाब का 5 दिन तक निरीक्षण किया, किंतु हिसाब में कोई गड़बड़ ना निकली, बल्कि मोदी खाने के मालिक को गुरुजी को 321 रुपए देने बाकी थे। जब जादोराव ने मालिक को बताया कि गुरुजी के हिसाब में कोई गड़बड़ नहीं है, तो उसने गुरुजी को सम्मान सहित 321 रुपए के साथ 300 रुपए और दिए। इस बात की खबर जब बीबी नानकी जी के कानों में पड़ी तो वे अपने भाई के प्रशंसा सुनकर अत्यंत खुश हुई। कहते हैं गुरुजी की आयु 16 वर्ष होने पर पटवारी मूले की पुत्री सुलखनी देवी जी के साथ बटाला में गुरुजी का विवाह हो गया। कुछ समय बाद आपके घर में 2 पुत्रों ने जन्म लिया, बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास जी। विवाह के बाद आप जी कई वर्ष सुल्तानपुर में ही रहे। कहते हैं गुरुजी सारा दिन मोदी खाने का कामकाज देखते और रात्रि के आखिरी पहर होते ही कालीबेई नदी में स्नान करके बेरी के पेड़ के नीचे ईश्वर ध्यान में लीन हो जाते। यही दिनचर्या थी आपकी। आजकल सुल्तानपुर का वही स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब कहलाता है। बड़ी महानता है उस गुरु घर की, जहाँ जाकर माथा टेक कर संगत को अपने सतगुरु की अनुभूति होती है। कहते हैं गुरु नानक देव जी ने रोज की तरह कालीबेई नदी में स्नान करने के लिए एक दिन डुबकी लगाई तो देखते ही देखते वे अलोप हो गए। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। जब आप बाहर ना निकले तो सभी ने यह मान लिया कि गुरुजी नदी में डूब गए हैं, परंतु आपकी बहन का विश्वास अटल था। वह जानती थी कि उसका भाई सुरक्षित है। तब वहाँ एक चमत्कार हुआ। गुरुजी नदी से तीसरे दिन बाहर निकल आए और मूल मंत्र का उच्चारण करने लगे। सुल्तानपुर वासी आप जी को सही सलामत देकर हैरान हो गए कि कोई साधारण मनुष्य तो जल में 3 दिन रहकर जीवित नहीं बाहर आ सकता। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि आप जी ने जपजी साहिब की रचना सुल्तानपुर के बेरी के पेड़ के नीचे ही बैठकर की थी। इस घटना के बाद गुरु जी को गृहस्थ के प्रति परम वैराग्य हो गया था। गुरु जी ने बीबी नानकी जी को कहा, बहन अब हम जा रहे हैं। तब वे बोली, अब मैं आपके दर्शन कैसे करूंगी? तो गुरु जी ने कहा, जिस समय तुम हमें याद करोगे हम उसी क्षण हाजिर हो जाएंगे। अपने माता पिता जी को आप जी ने बताया कि निरंकार ने उन्हें धरती पर सारे मनुष्यों को एक परमात्मा से जोड़ने के लिए और सभी धर्मों के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए ही भेजा है, इसलिए देश विदेश जाकर सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए और ईश्वर का संदेश जन जन तक पहुंचाना है। उन सभी को मेरी बहुत ज़रूरत है।
तब आप जी ने अपने माता पिताजी की आज्ञा लेकर भाई मर्दाना जी को अपने साथ लिया और संतों वाला वेश धारण करके चल पड़े यात्राएं करने। सबसे पहली आपकी उदासी यानी यात्रा भाई लालो जी के घर से आरंभ हुई थी। जैसे कहते हैं कि युगों युगों से प्रभु अपने भक्तों के वश होते आए हैं। गुरु जी दिलों की जानने वाले थे, उन्हें पता था कि भाई लालो जिसके साथ पिछले युगों से रिश्ता है, जब उसने प्रेम से गुरु जी को याद किया तो गुरु जी उसी के घर भाई मर्दाना जी के साथ हाजिर हो गए। बड़े प्रेम और सम्मान के साथ भाई लालो ने आप जी का सत्कार किया। कहते हैं आप जी अपने भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर एक महीना उसके घर ठहरे थे। उसी समय के दौरान मलिक भागो जो उसी शहर में रहता था, उसने अपने घर ब्रह्म भोज का आयोजन किया। सभी हिंदू ब्राह्मणों को उसने निमंत्रण भेजा। जब उसे पता चला कि श्री गुरु नानक देव जी जो कि खत्री हैं और भाई लालो के घर ठहरे हुए हैं, इसलिए गुरु जी को भी उसने ब्रह्म भोज में बुलावा भेजा। परंतु गुरु जी ने मलिक भागो के सेवक को उस यज्ञ में जाने से मना कर दिया, क्योंकि वे मलिक भागो को नहीं जानते थे। सेवक ने आकर मलिक भागो को निंदात्मक रूप से कहा कि नानक निरंकारी तो खत्री का पुत्र होते हुए भी शूद्र लालो के घर भोजन करता है, परंतु आपके महान यज्ञ में आना उचित नहीं समझा उसने। मलिक भागो के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची और उसने तुरंत कुछ सेवकों को गुरु जी को जबरदस्ती ब्रह्म भोज में लाने के लिए भेज दिया। कहते हैं तब गुरु जी ने भाई लालो को अपने साथ लिया और महान लीला प्रकट करने के लिए चल पड़े। मलिक भागो ने गुरु जी के आने पर नाराजगी जाहिर करते हुए पूछा, आप तो खत्री पुत्र हैं, फिर भी आप शूद्र लालो के घर भोजन कर सकते हैं, परंतु मेरे घर में बना ब्रह्म भोज स्वीकार नहीं, ऐसा क्यों? गुरु जी उसकी बात सुनते हुए बोले, भाई जिस काम के लिए बुलाया है तो फिर वही करो। तब उसने गुरु जी के आगे तरह तरह के ढेर पकवान परोस दिए। आप जी ने भाई लालो के हाथ से उसके घर की रोटी अपने एक हाथ में पकड़ी और दूसरी हाथ में मलिक भागो की पूरी कचौरी। दोनों हाथों को जोर से दबाया तो लालो वाली रोटी से दूध की धार बहने लगी, परंतु मलिक भागो की रोटी को दबाने से खून की धार बहने लगी। ऐसा चमत्कार देखकर सारे पंडित और लोग हैरान हो गए। तब आपने भागो को कहा, तुमने गरीबों के खून का ब्रह्म भोज आयोजित किया है और हमें भी वही भोजन कराना चाहते थे, जबकि इस गरीब लालो के घर हर रोज ब्रह्म भोज हो रहा है। ऐसे वचन सुनकर मलिक भागो की एक ना चली, भरी सभा में वह शर्मसार हो गया। फिर आप भाई लालो के घर से चलकर देश विदेश की यात्राओं पर निकल पड़े। उस समय लोग भ्रमित होकर अंधविश्वासों और पाखंडों में फंसते जा रहे थे। लोगों की ऐसी बुरी हालत देखकर गुरु जी धर्म स्थानों तीर्थ स्थानों पर जाकर वहां के पंडितों मौलवियों काजियों को सच का संदेश देकर एक ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया करते। आप जी ने भारत अफगानिस्तान अरब के देशों में भ्रमण किया। हर स्थान पर जाकर आप संगत करते, हर कोई आपके वचनों से प्रभावित होता, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म जाति से संबंधित हो। आप जी ने आपस में वैर विरोध खत्म करने के लिए संगत और पंगत की परंपरा चलाई। लंगर की प्रथा आप जी के द्वारा शुरू की गई, जिसमें हर जाति के लोग अमीर हो या गरीब एक साथ बैठकर भोजन करते। चाहे कोई मौलवी हो, पंडित हो या साधु हो, आपकी बातों से बिल्कुल सहमत होते। आप जी ने मानवता को संदेश दिया कि रथ करो यानी जीवन जीने के लिए अपने हाथों से मेहनत करके धन कमाओ, नाम जपो यानी एक प्रभु का सिमरन करो और वंड छको यानी सभी के साथ मिल बांटकर खाओ। कहते हैं आप जी ने कई वर्षों तक अपनी यात्राएं की और फिर आप अपने जीवन के 18 वर्ष पाकिस्तान करतारपुर में अपने परिवार के साथ बस गए, जहां आप खेती बाड़ी किया करते, हल चलाते और नाम जपते।
आप जी ने 1539 ईस्वी में अपने प्रिय शिष्य भाई लहना जी को सिखों का दूसरा गुरु घोषित करके नाम दिया गुरु अंगद देव जी। आप जी ने अपने दोनों बेटों को गुरुगद्दी का वारिस ना बनाकर बल्कि भाई लहना जी को इस योग्य समझा। आप जी सितंबर 1539 ईस्वी को करतारपुर में ज्योति जोत समाए। वह स्थान गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब कहलाता है, जिसको श्री करतारपुर साहिब भी कहा जाता है। यह पाकिस्तान में स्थित है। आप जी के शरीर त्यागने के बाद हिंदू मुसलमान संगतों ने आपकी देह से जब चादर हटाई तो आपका वहाँ कोई अवशेष ना पाकर वे दंग रह गए। दोनों धर्मों के लोग तब आपकी देह का अपने अपने धर्म अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे, क्योंकि हिंदू उन्हें अपना संत पुरुष मानते और मुसलमान उन्हें अपना पीर मानते थे। इसलिए कहते हैं, तब दोनों गुटों ने गुरु जी की चादर आदि आदि बांट ली और अपनी अपनी रीति अनुसार आप जी का अंतिम संस्कार किया। गुरु जी के उपदेश सभी को बहुत प्रभावित करते। आप जी की बातें शिक्षाएं दोनों धर्मों के लोगों को अच्छी लगती, तभी सब लोग आपसे प्रभावित होते थे, क्योंकि आप जी की भक्ति का स्वरूप दोनों धर्मों को कबूल था। ऐसे थे श्री गुरु नानक देव जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत दपला। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।